हमेशा या तो मैं बनगा जाती हूँ, नहीं तो बागता सरफ या तो कोलकाता, बस इसी रूट पे सबसे ज़्यादा गई हूँ। बट आज मैं आ गई हूँ एक नई जगह पे, शांतिपुर स्टेशन। ये है तो सिटी, बट जो लोग बंगाली हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ पे एक जयतो ठाकुर का मंदिर भी है, तो हम मंदिर दर्शन करने भी आए हैं और साड़ियों की शॉपिंग करने भी, क्योंकि मम्मी को जैसी साड़ी चाहिए वो मेरे हिसाब से इससे इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तब पहुँच तो गए हम लोग यहाँ पर, अब जाएँगे साड़ियों की शॉपिंग के लिए। मम्मी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट नहीं है डन, अब सिर्फ एक टाइप की ली गई है, अब देखते हैं आगे। बाकी मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज अच्छी अच्छी मिल गई है। यहाँ पे ना घूम घूम के मेरे को लगाई भूख, और मैं अकेले बोलूँ कि मेरे को भूख लग रही है खाना खाने चलते, तो मम्मी तनक जाती है मेरे पे। मैंने बोला मम्मी चलो तुमको भूख लग रही है खाना खिला के लाती हूँ जाके। मैच का है मेरा खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले मार्केट, बट वहाँ पे भी साड़ी लेने मंदिर आए हैं बावला उद्धटो पाठ का। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी, बट यहाँ का ना व्यू बहुत प्यारा, क्योंकि ना यहाँ पे चारों तरफ बस आम ही आम के पेड़ हैं। दिख रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में पूरा ऐसा एरिया, बहुत सुंदर है। बाकी मंदिर के अंदर जाके बताते हैं। मन को काफ़ी हद तक शांति मिल रही है, क्योंकि ना बहुत शांत वातावरण है। अच्छा मतलब अच्छा भी लग रहा है, और शांतिपुर आना सक्सेसफुल रहा। शॉपिंग वगैरह तो सब भाड़ में जाए, वो सब एक सेकेंडरी चीज़ थी, बट मेन हमारा यहाँ आना था, जो कि सक्सेसफुल रहा और काफ़ी अच्छा भी रहा। का व्यू ना लिटरली बहुत अच्छा है, और ना शांति भरा हुआ है सच्ची में। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण है। पीछे सिर्फ यहाँ पे आम के ही आम के बगीचे हैं, दूर दूर तक गाड़ियों का शोर शराबा नहीं, एक आधी साइकिल देखने को मिल जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये पीछे मंदिर है, मठ है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, शांतिपुर आना सक्सेसफुल रहा मेरा। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, अब वहीं पर बैठ के दुर्गा पूजा देखेंगे।